ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? ये मामूली मार नहीं है, कौन मार रहा है? आप लोग 10 मिनट इंतजार कीजिए। सर, मेरे पिताजी का फोन था क्या? जी, उन्होंने कहा इसकी पहले शादी हो चुकी है। नहीं सर, पिताजी शादी नहीं होने देंगे, आप उनकी बात मत मानिए प्लीज सर। 10 मिनट की बात है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पिताजी यहाँ आए तो शादी नहीं होगी। देखो, अगर तुम्हारे पिताजी गलत हुए तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सर, हमारी शादी करा दीजिए प्लीज सर। तुम कितने दिनों से इसे प्यार करते हो? 5 साल से सर। फिर क्या तुम अपने प्यार के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? 10 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी इसकी, शादी कराओगे इसकी। आप कौन? मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ और इसका बड़ा भाई, शादी कराओ इनकी। 10 मिनट इंतजार कीजिए। पूरा 1 लाख है। ये पैसे अपने पास रखो। क्या हुआ, और चाहिए क्या? इतना काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। मैं यही तुझे मार सकता हूँ। मुझे धमकी दे रहे हो? ए, चुपचाप मेरी बात मान ले, मेरे भाई की शादी करा, मुझे इसके बाप की जायदाद चाहिए किसी भी कीमत पर। जायदाद पर नजर गड़ा के बैठा हूँ मैं और तू मेरा प्लान खराब करेगा? चल अपनी ड्यूटी निभा जल्दी से। ए, शादी करा इनकी, चल। गंदो मुझे। ए, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अरेस्ट करो जल्दी से, चल। चलो चलो। ए, चल चुपचाप, जेल की हवा खा पहले। देख लूंगा तुझे, तेरी अक्कल ठिकाने पे आ जाएगी, चल। देखो बेटी, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने बहुत सी शादी करवाई क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह अपने जीवन को बर्बाद किया है। तुम तकदीर वाली हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूं। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ जाओ, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, प्लीज। माँ, फिल्म के लिए देर हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा आते ही होंगे। तुम्हारे पापा को जानती हूँ मैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। पापा आते ही होंगे, देख लीजिएगा माँ, देखिए उन्हीं का फोन है। हेलो पापा, कहाँ रह गए अभी तक? ऑफिस में। हाँ पापा, अभी भी ऑफिस में। माँ सही कह रही थी, आप कभी टाइम पे नहीं आते। बस बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा इसीलिए फोन किया। आप हरदम ऐसे ही बोलते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोले थे। सॉरी बेटा, मैं 5:30 पहुँच जाऊंगा। प्लीज पापा, आप आ जाइएगा, हमको आपके साथ देखनी है प्लीज। बहुत अच्छा मूवी है पापा, आप प्लीज टाइम पर आ जाइएगा। अंदर कैसे आ गए? कौन है बेटा? फोन पर तुम्हारे पिताजी है ना, उनसे बोलना अंकल आए हैं। कौन है बेटा? लाओ लाओ फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? इतने जल्दी भूल गए? सुबह तूने मेरे भाई की शादी रुकवा के मुझे जेल भेज दिया और वहां से निकल के सीधे मैं तेरे घर आ गया। सुनो, तेरी वजह से मेरा भाई आज जेल में है, तूने उसकी शादी रुकवा दी, लेकिन मैं तेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा के रहूंगा और तू उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। देख, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू रोकने की कोशिश कर सकता है। रोकेगा? रोकेगा? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, पूजा भाग यहाँ से। छोड़ दो मेरी बेटी को, रुक जाओ। कहाँ भागेगी, कहाँ भागेगी? ए, तुम में से कौन इसे शादी करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा भाई। तू करेगा? अरे कितनी बार शादी करेगा? हा? भाई ये चौथी बार है। तुझे इतनी पसंद आई है? भाई मैं बचपन से चाहता था मुझे कोई गोरे गालों वाली मिले। अच्छा, तो तेरे लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। Oh, my God.
अंदर जाओ। ये क्या किया आपने? अशोक नहीं आता तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। ऐसा मत बोली, आखिर वो हमारा बेटा है ना। वो हमारा बेटा नहीं है। जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला उसी दिन वो मेरे लिए मर गया। केवल 3 लोग हम इस घर में रहते हैं, हमारा कोई बेटा नहीं है, वो हमारे लिए मर चुका है, समझे? क्या हुआ अशोक भाई, अभी भी गुस्से में है? मैं मनाऊं क्या? अबे छोटू चुप कर, नहीं तो हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे राज आ गया, सब संभाल लेगा, आजा। उन्होंने गुस्से में कह दिया, सच में थोड़ी कहा है। अरे वो तेरे पापा है, इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है चल, मान लिया तो उनका बेटा नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त तो है ना। तू तेरे गुस्से में तेरी नाराजगी इस पंचिंग बैग पर मत निकाल, चल चल कर उनसे सारी बात करते हैं। नाराजगी? वो भी पापा से? कभी नहीं हो सकता। मतलब तो गुस्सा नहीं है? अब तो आदत सी हो गई है, बस यहां दिल में बहुत चुभता है और दर्द बढ़ जाता है, और मैं उतना ही खुश महसूस करूंगा जब पापा मुझे घर बुलाएंगे। वो मुझे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। अचानक तेरे चेहरे का नूर क्यों खो गया? पापा तो मुझसे नाराज है ना? तुझसे नहीं। अब बस भी कर यार, हंस भी दे। मैं अपनी गाड़ी मांग रहा हूँ और तू हंस रहा है? अरे वो तेरी फटपटिया भंगार थी, उसको मैंने बेच दिया। सुन, नई गाड़ी को भंगार बोल रहा है? 2 साल पहले खरीदी थी। हाँ, बेच दी तो क्या? अबे तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े मुझे उसको। मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए वरना जान ले लूंगा तेरी। अच्छा, तू जैसा गधा मेरी जान लेगा? अरे छोड़ से। I love you कह दिया? इतनी हिम्मत उसकी? Okay, okay. माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो कोई भी अरगरा तुम्हें I love you कह देगा? तुम तो डांस क्लास जा रही थी ना, फिर अचानक वहां कैसे चली गई? Okay, अच्छी बात है, कहीं भी म्यूजिक सुनते ही डांस करने लग जाओगी। वैसे तुमने उसे बिना कुछ बोले जाने दिया? Okay, okay. ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ किया, अगली बार किया तो देख लेना। अगर तुझे जिंदा रहना है तो अगली बार मेरे सामने मत आना। I love you. अगली बार मिले तो पता है मैं क्या करूंगी? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड और मेरी हैसियत नहीं पता, तुझे समझा दूंगी। मारो, मार डालो। मार डाल इस शैतान को, इस जेपी को कोई नहीं छू सकता। मार डाल इसको, मेरे खिलाफ जाएगा। बस इसको शोर मत मचाने दे, घुसा दे इसके पेट में, छाती में मार इसको। ये ले, इससे आंतड़ियां बाहर निकाल। मार डाल इसको, मार कहा, खत्म कर। भाई केके के साथ मिलकर आपको मारने आया था, इसलिए तो इसको मार दिया। अगली बारी केके की है, बस उसको मारना बाकी। चलते हैं भाई,
इसकी तरह वो भी मरेगा। उसने इलेक्शन में मेरी सीट लेने की कोशिश की, उसे मरना होगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बिहार से आदमी बुलवाया है उसके लिए। केके को मारने के लिए वही सही लोग हैं। हम उसको ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांपेगी, लाश को भी पता नहीं चलेगा उसके। हाँ डेविड बोल। अन्ना वो लोग मिल गए अन्ना। हाँ डेविड, उनको ठिकाने तक पहुँचा दे और समझा दे उनको कि केके बचना नहीं चाहिए। एक तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और ये काम तू अकेले ही करना, समझ गया ना? ठीक है। डेविड राज। ओ, डेविड राज, आजा। बोलो भाई, हमारे जेपी साहब कैसा है? एकदम है बढ़िया। ओके, बैठो। जेपी साहब भेजे हैं आपके लिए। जेपी साहब ने भेजा? तोहफा आपको पसंद आया ना? मेरी बात सुन डेविड, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अपने को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। आप लोग तनिक संभल के रहिएगा, क्योंकि केके कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, वो बहुत ही चालाक है। बच्चों की तरह बात ना कर, ये हमारा होटल है, यहाँ के बादशाह हम हैं। आप केके के बारे में कुछ नहीं जानते, वो इसे उसको मारे का क्या प्लान बनाए हैं? क्या प्लान? नुक्कड़ के गुंडों को मारने के लिए प्लान? तो बस इतना बता कि वो गुंडा कहाँ मिलेगा और कितने लोग होंगे उसके साथ, बस वही जाकर उसे ठोकेंगे और गेम खत्म। केके बहुत ही शातिर खिलाड़ी, आप लोगों से एक कदम आगे सोचता है। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है, हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो केके क्या चीज है? डरता साला। अरे भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो, केके का फोटो दिखा और जाओ। और किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गया? हाँ। थैंक यू मिस्टर डेविड, हमको इन्फॉर्मेशन दिए इसलिए। मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। केके, वेरी डेंजरस बिहारी गैंग। मत मारो। अगर तुमको मार दिए तो बिहार में हमारे दहशत का किस्सा कौन सुनाएगा? भाग और जाके बताओ कि केके कितना डेंजरस है, अभी जाके बताओ। कोई हमको मारने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हाल देख रहे हो ना, ऐसा ही काट के फेंकूंगा। भाई भाई, के मर गया, अब केवल उसका भाई और उसकी माँ बची है। अभी मरा नहीं है। मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गज्जू, इसका भाई भी मरना चाहिए। अरे कहाँ हो, सुन रही हो? खाना बन गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई क्या? अरे बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? हमारा टॉवेल कहाँ है? वही होगा, देखिए। सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पर रखा है जी। अरे सुनो, कैंची कहाँ है? आ रही हूँ जी। हमारा कोनो सामान नहीं मिल रहा है। अरे वाह, हम तो एकदम हीरो लग रहे हैं। मुआ, जियो मेरे लाल। अरे सुनो, कहाँ गई? क्या हुआ जी? एका, टॉवेल मांगा तो नैपकिन लेकर आ गई। टॉवेल तो आपके गले में ही लटका है, देखी तो सही। अरे कहाँ देखें, हर रोज ब्रश करने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जब हम तुमसे ब्रश मांगते हैं तो इज्जत से ब्रश लेकर आना चाहिए ना। अच्छा
हम काफी मांगे थे, कहाँ है? कॉफी तो नहीं मांगा? अगर हम नहीं मांगेंगे तो नहीं दोगी? अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो गया ना, तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। जाओ कॉफी लेकर आओ। समझती नहीं है का बेटी, पेपर पढ़ रही हो? हेडलाइन का है पढ़ के सुनाओ। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले एक आदमी ने शर्म के मारे कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, हमको ताना मार रही है। क्यों पापा, आप भी मम्मी की कमाई खा रहे हो क्या? फिर तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अपना होमवर्क करो, टाइम पास मत करो। कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हमारा हाथ खाली नहीं है ना, पिलाओ। माँ जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। मतलब भिखारी तुमको माँ जी बोल दिया तो तुम घर की मालकिन हो गई? पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। ए, ए, यहाँ आओ। ये घर का मालिक कौन है पता है? हम हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमसे हमसे मांगो। मालिक कुछ दे दीजिए। तुम ये रुकना, हम अभी लेके आते हैं, तुमको कुछ बड़ा चीज देते हैं। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाथ खाली नहीं है, बाद में आओ, अंदर रख दो। ज्यादा होशियार मत बन, पहले मेरी भी हालत तेरे जैसी थी, एकदम निकम्मा काम चोर। बीवी पे हुकुम चलाता था, फिर एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से भीख ही मांग रहा हूँ। तुम्हारा भी दिन आएगा, मंदिर परिसर में मिलेंगे। एका, भीख दे रही हो? अच्छा नहीं जी। ओ, हमारा जेब खर्च है, 200 रुपए में कहाँ होगा? नहीं आपके लिए नहीं, दूध वाले के लिए। दूध वाले के लिए? दूध वाले को भी जेब खर्च देती हो? तेरी तो अभी हम बताते हैं, रुक जा। ये लीजिए आपके लिए। हमारी बहन तोहरे तरह कंजूस नहीं है। भाभी आप जाइए। सुनो बहन, हमरे ऊपर कोनो एहसान नहीं कर रही हो। तुमको क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जितना खर्चा किया ना, उसका तो सिर्फ ही ब्याज है। यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है? मेरे लिए तो नहीं आया? इस बार छेड़ा ना तो सबक सिखा देंगे। लेकिन कैसे? मुझे क्या लेना देना, हो सकता है मेरे लिए आया ही ना हो। अगर देखा ना तो इसको जेल की हवा खिलाएंगे। देख लिया देख लिया, अब हम क्या करें? कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि, कंट्रोल। बस देख ही तो रहा है, अगर पास आया तो बताएंगे। आने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? ये क्या, नहीं आया? Excuse me, please. If you don't mind. मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। हे भगवान, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बस थोड़ा मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, बस वही वाला प्यार तुमसे भी हुआ है। अब तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो, क्यों बोलना चाहिए ना? हाँ ना के चक्कर में देर हुई ना तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे पहले तकरार होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का जो बुखार है वो चढ़ता है, होता है ना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या कह रहे हो, तुम कौन हो, हम तो जानते भी नहीं। हाँ अशोक है, पुराने शहर में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, पुराना गाड़ी ठीक करता हूँ। पेशेंस का कमी है, इमोशंस का भरमार है, और जब गुस्सा आता है तो सामने जो भी हो सबको फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी हैं। अच्छी आदत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बुरी आदत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो? ए भगवान, इतना बड़ा इल्जाम, ये क्या कह दिया तुमने? ईमानदारी से अपना बात कहा तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर चल जाऊंगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भूल कर भी तुम हमको याद भी की ना तो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, कन्फर्म। ओके ओके ओके, वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। लो, अरे रख भी लो, तुम्हारे लिए ही लाया था। सर
आखिर ये शहर में चल क्या रहा है? जेपी को भी किसी ने मार दिया, ये डेड बॉडीज कहाँ से आई? चल रही है भाई, और कितनी जांच करेंगे? हमें कातिल का नाम बताइए। सुनो, ये सब के सब प्रोफेशनल किलर है, ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मरने के लिए आए थे। अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेपी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया, अगर उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि हमें कैसे पता होगा कि जांच चल रही है? पता लगते ही आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा, तब तक हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर सर सर, एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है तो फिर रिकॉर्ड करो, इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो, उसके बारे में लिखेगा ना। बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। के हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया, अभी यहाँ से निकलते नहीं तो हम मर जाएंगे। पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो जाएगा। मुझे भी कहां पता था कि हो जाएगा, अब हर तरफ दिन रात सिर्फ वही दिखाई देती है। क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही, आजकल तो मंदिर बहुत जा रही है, सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा दिया है। बोल भाई, शिव ने बिल्कुल सही कहा था, जेपी का भाई मेरे निशाने पर है। अकेला है? नहीं भाई, तीन लोग हैं साथ। पुरानी मिल के पास। तू उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ, जिंदा नहीं बचेगा आज। गजू भाई, मुझे किसी की सुपारी देनी है, उसने मुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटा है, मुझे बदला लेना है उससे। अरे, पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, जैसे ही डिस्चार्ज मिला सीधे यहाँ आ गया। आप अपने लड़कों को भेज के उसके अकल ठिकाने लगा दो भाई, हाथ पैर तोड़ दो उसके। अरे आप पुतले की तरह क्यों बैठे हो भाई, कुछ तो रिएक्शन दो। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपके खून में उबाल नहीं आया भाई? जब वो आपके आदमियों की धुलाई करेगा तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द, और फिर एक दिन वो आपको भी।
अरे भाई का दिमाग हिल गया है क्या? मुझ पे हाथ क्यों उठाया? चुप हो जा। पर क्यों? पहली बार भाई की किसी ने ढुलाई की है, उनके कान के पर्दे फट गए हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन नहीं सकते। लगता है उसी ने कुटाई की है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये वही हो सकता है। मार डालेंगे उका। बस नाम बताओ हमका, बताओ। मैंने भी कई बार पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया माजी। बस तुम उका नाम बता दो, शहर से उसका निशान मिटा देंगे। ये सुन नहीं सकता माजी। बोलो बचुआ, बताओ कौन था वो, कैसा दिखता है? बोलो ना बचुआ, बोला। मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे खुद नहीं पता किसने मारा, और आप पूछ रहे कौन था, कैसा दिखता था। अच्छा, लगता है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा और क्यों मारा है। के बचुआ, गज्जू पर हाथ उठाकर वो अपना मौत को दावत दिया है। इससे पहले कि ये खबर शहर में फैल जाए, उसका मौत का खबर फैल जाना चाहिए, ठीक है? माँ, वो जॉन कोई भी, जहाँ कहीं भी है, उसको शमशान पहुँचाऊंगा। हे भगवान, हे भगवान, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़वा दो, कुछ भी हो जाए मेरे पास ना है, हम उसके बारे में कभी ना सोचे। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए, प्लीज ये बात मान लीजिए, वो मेरे सामने ना आए। हेलो, तुम क्यों मेरे बारे में सोचा ना? तुमने याद किया तो हाजिर हो गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुमने याद नहीं किया होता तो मैं आता ही नहीं। अब ये बताओ तुमने क्या सोचा? किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, समझ नहीं आता कि तुम बोल क्यों नहीं देती। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। अरे सुनो 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 सुनो, आई लव यू। तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। देखा तुमने, तुमसे ज्यादा क्लैरिटी तो बच्ची के पास है। अब भाव मत खाओ, अब सोचो मत, मान भी जाओ अंजलि। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो, प्यार हो गया क्या? देख कर दिल के अरमान जग गए क्या? हे भगवान, तुम लड़के लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब सीधे आई लव यू बोलो तो कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो भूखे को खाना खिलाता है, अंधे को सड़क पार करवाता है, या फिर भिखारी के सामने पर्स खाली कर देता है, तब तो तुम लड़कियां फट से प्यार में पड़ जाती हो। देखो अगर ऐसा है, तुम्हें ये सब पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम बस मुझे मौके तो दो, मैं तुम्हें एक से एक तरीके दिखाऊंगा। कौन है ये पागल? भैया, भैया आओ। अरे वाह, ये तो मेरा साला है। कैसे हैं साले जी? हेलो हेलो, देखा ना मेरी कितनी इज्जत है, देख कर कुछ सीखो। अरे साले साहब, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। ओके ओके, ठीक है ओके ओके। बाबा, देखा वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी। अरे लिप से, मैं लिप रीडिंग करता हूँ पागल कहीं की। चलो प्लीज अशोक, तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो, वो हमको जान से मार देंगे। ओहो, तुम अपने भाई की डेट से मुझसे प्यार नहीं कर रही हो, तो भी ठीक है, मैं सीधा तुम्हारे भैया से ही बात कर लेता हूँ। कल शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, ठीक है? लेकिन अरे तो इतना घबरा मत, वो नहीं आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती। अरे वो नहीं आएगा, तुम्हें बड़ा पता है, आ भी तो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा घर आ जाएगा, घर आने के लिए जिगर चाहिए। अरे उसका दिमाग खराब है, हमको तो लगता है वो जरूर आएगा। प्लीज यार मेरी मदद करो ना। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा डरती है रे, अगर मैं तेरी जगह होती तो उसकी टांगे तोड़ कर रख देती। ओह, ये तो उस गुंडे को हल्के में ले रही है, उसने मुझे छुआ। सच में छुआ? कहाँ? यहाँ पर। कमर में छुआ? तू फिकर मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसे सुपारी दे देंगे और वो उसे 2 मिनट में खत्म कर देगा। तू फिकर मत कर भाई, सब संभाल लेंगे। आ गए। सलाम भाई, फोन पर बताया था ना, एक लड़का है जो इसे बहुत छेड़ता है और आते जाते हमेशा रास्ते में रोक लेता है, बार बार आई लव यू बोलता है। वो भी बताओ ना जो उसने मुझे छुआ था। अरे बता रही हूँ, एक काम कर, सारी बातें तो खुद ही बता दे, अगर तूने सब कुछ बता दिया तो उसकी छुट्टी कर देंगे। अरे वो ना एक नंबर का जालसाज लगता। आगे बोलो। एक बार उस गुंडे ने इसकी कमर को पकड़ लिया और उसे कमर केवल पकड़ा नहीं और उसको किस करने वाला था। किस कर लिया? नहीं बॉस, किस करने से चूक गया। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, आप बस उसे सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए लूला कर दो। वो सब हो जाएगा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे इन मोहतरमा से जरा अकेले में बात करनी है। ओके बॉस, तू फिकर मत कर रे, बॉस सब संभाल लेंगे। हां हां मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। तो फिर मैंने तुम्हें टच किया। कहाँ टच किया बताओ? यहाँ पे।
मैंने तुम्हारी कमर को कब छुआ? बताओ, झूठ क्यों बोला? बताओ। पीछा छुड़ाना था इसीलिए। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर मान लो कोई असली गुंडा होता और वो मेरी सुपारी लेकर अगर मुझे अंधा कर देता या फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देता, फिर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता क्या? अच्छा तो मेरी मौत पर तुम हंसना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर तुमने क्या सोचा था, बोलो। वो यहां देखो। ए, मेरी आंखों में देखो और अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें तंग करने वाला लगता हूँ? नहीं लगते। मैं क्या तुम्हें इतना बुरा इंसान लगता हूँ? नहीं लगते। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में एहसास जग रहे हैं? हाँ, जग रहा है। तो फिर तुम कुछ कहना चाहोगी? हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाना है अभी। लगता है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ, घर जाकर आराम करो। जाओ 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 जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार का दिखावा कर रहा हूँ? तुमसे मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। मुझे दर्द हो रहा है। तुम अपना हाथ तो छुड़ा लोगी, लेकिन अपने प्यार को मेरे दिल से कैसे अलग करोगी? एक बार बस प्यार का इजहार कर दो, आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ूंगा। मर गया, अब डरो मत। कहा नाम है तुम्हारा और कहां रहती हो? ए? भाई, मार दू। अंजलि, क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
हमको मार देंगे। अंजलि शांत हो जा। मार देंगे। अंजलि शांत हो जा। अंजलि कूल डाउन। कुछ नहीं हुआ। अंजलि मेरी बात सुनो। कुछ नहीं हुआ। मार देंगे। बचा लो। साहब एक बार हम लोग तय किए हैं कि आप ही हमारे तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम लोग हाई कमान को बता देंगे। वो लड़का इसी इलाके का है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। दरअसल हम लोगों ने जेपी को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाई कमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए, हम लोग हाई कमान से बात कर लेंगे। सर हम लोग हैं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। का हुआ बिटवा? राधे को मारते समय हमें वो लड़की को देखे थे, हम उससे शादी करना चाहते हैं माँ। का सच में? चलो इसी बहाने तुम शादी के लिए मान तो गए। हे भगवान, तुम हमारी मनोकामना पूरी कर दिए। पांडा वैसे वो देखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एकदम आपके तरह सुंदर है माँ। बहुत ही खुश नसीब है वो लड़की जो तुमको पसंद आ गई। हाँ अब तुम वो लड़की का डिटेल अच्छे से पता करो, का नाम है, का करती है, कहाँ रहती है। हाँ तो तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। मेरी नौकरी अमेरिका में लग गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जाने से पहले मेरी शादी हो जाए। वैसे इनके घर वाले भी तैयार हैं भैया। और पापा? पापा तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, वो नहीं मानेंगे। और फिर भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना भैया। पहले से मुसीबत कम थी क्या जो तुमने और बढ़ा दी? कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे करनी है मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका भाई हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज है। तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे कराइएगा शादी? मुझ पर छोड़ दो, तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से होगी, ये मेरा वादा है। कैसे करवाएंगे? आपका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, फिर कैसे होगा? करेक्ट, हम उनके गुस्से का फायदा उठाएंगे। माँ, माँ, माँ जी, माँ जी, ओप, ओप। माँ, अरे तू अभी क्यों आया है? चले जा बेटा, तेरे पापा घर पर है। पूजा घर पर है, उसे बुलाओ माँ। हुआ पूजा? क्या है? अरे माँ ये जग्गू। नमस्ते, क्या कर रहे हो? बड़ा भोला है, थोड़ा बताओ, ज्यादा करने लगता है। पूजा दिख नहीं रही? पूजा भैया चुप चुप चुप। अरे वो तेरी नहीं मेरी बहन है, शांत हो जा। तुम्हारी बहन, मेरी बहन। अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूजा के लिए एकदम सही है। तेरे पापा आ गए। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ। मेरी बहन घर पे कुंवारी बैठी है, और उससे भी बुरी बात ये है कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ मैं हूँ, माँ मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं पूजा का भाई तो हूँ, भाई तो हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपनी बहन के लिए। मेरे भाई, चुप हो जाओ। मत कर, तुम यही सोच रही हो ना कि दूल्हा कौन है? ये रहा दूल्हा। हमें तलवे नहीं चाटते हैं, तरीके से अपनी तारीफ कर। आई एम जग्गू जग्गा राव, MA FRCS, MABI, IAS। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी हाइट से ज्यादा है। अभी हम काम करते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में, फिनाइल सेक्शन में। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, महीने का 3,000 वेतन मिलता है, ऊपर की कमाई से काम चलता है। जेब भी चेक करता है ये? कभी कभार जेब चेक करता हूँ। कैसा लगा लड़के का बायोडाटा? ये 2.5 फुट है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कर रहे हो? भले सिंगल पसली है लेकिन प्यार बहुत करेगा। तुम जानते नहीं हो हमको, हम भले सिंगल पसली है लेकिन फैमिली के लिए। दूल्हा होता ऐसा? हम अपनी फैमिली के लिए घर का सारा काम करूंगा। हमारे दुनिया में आते हैं, छोड़ आजा, आजा। देखा कितनी लगी है पूजा, घर वालों के मसले से भी फुर्सत। राज करेगी अपने ससुराल में, अब देर किस बात की? हाँ कर दो। क्या सोच रही है? वो काला है पर दिल वाला है, और वैसे भी इस घर का दामाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे ऐसे से काम चला लो, चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। इसे दामाद बना लो, इसे घर से निकाल दोगे तो भी ये लड़का बुरा नहीं मानेगा, इसलिए जाओ जाकर बात कर लो। सही कह रहा हूँ? लेडीज लोगों से हम बात नहीं करते, हम घर के गार्जियन से बात। ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना तेरे सर पर जो बाल है वो गायब हो जाएंगे। टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे मेरा बाप हिटलर है। अरे हमको बात तो करने दो, समझा रहा हूँ। मैं ससुर जी से मिल के आता हूँ, तुमको हमारा टैलेंट के बारे में पता नहीं है। साइड प्लीज लेडीज। अंकल, 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 हाय अंकल, आई एम जग्गू। ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई, लगता है आपको खुशी नहीं हुई। व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, एकदम लल्लन टॉप। आपके फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा करने को दिल करता है। आई एम सॉरी, मतलब आपकी फोटो की पूजा करने का मन करता है। आपके बेटी हमको पसंद है, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। हमारे जैसा दामाद को आप खोजने निकलेंगे ना तो पूरी दुनिया में हमारे जैसा बकलोल दामाद कहीं नहीं मिलेगा।
ऐसे कहे देख रहे हैं? इतने हैंडसम दामाद देख के शौक लग गया? हमको पता है शौक लगा। और सुनिए, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ दो जोड़ी में दुल्हन चाहिए। शादी में हमरे सिवा कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही काफी हैं। आप भी किसी को मत बुलाइए, रजिस्टर मैरिज मतलब सस्ते में शादी हो जाएगी और सस्ते होटल में खाना खा लेंगे। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, किसी को बुलाने का झंझट नहीं होगा। देखिए, हमरे जैसा अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा आपको, सही कहा ना? अरे आप बहुत लकी है मैन, जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर कन्यादान कर दीजिए, समझ गए? मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट मैन। ओ आप बहुत भाग्यशाली। मर गया, अरे छोड़ो, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे बाप रे मार डालेंगे, अरे भैया हमको बचाओ। हम कहा बताएं मैडम, हमारी हड्डी का भूसा बना दिया है जल्लाद। अरे बाप रे कहा देख रही है, अरे चलिए। और ना ही कोई ऐसा दबाव मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो, इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी, अरे ऐसे से काम चला लो। एक को पार्ट सही नहीं है, बाप रे। हे भगवान, इंसान है कि जल्लाद है पता नहीं, ऐसा हालत में हमारा कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। यस। ये क्या हुआ आपको? अरे पापी, हड्डी पसली तोड़ के पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी पसली टूट गई। लेकिन चेहरे पर ये घूंघट क्यों? आज सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो सोमवार को हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये रहा मेरी बेटी का फोटो और बायोडाटा, प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए। गोल्डन रिश्ता देखता हूँ सर। मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा हो और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। पता है, पता है, हमको पहले से पता है। आपको कैसे पता चला? बात ऐसा है कि आजकल के पिता अपने बेटी के रिश्ते के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही देखते हैं, और नहीं तो अमेरिका जर्मनी में सेटल लड़का देखते हैं, इसीलिए। आपकी फीस कितनी है? जितना डॉक्टर का फीस है। डॉक्टर फीस मतलब? हमारा मतलब है कि मैरिज का फीस क्या होगा, आप जो देंगे हम रख लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। कहा है कि हम मिमिक्री भी करते हैं ना, इसीलिए हमारी आवाज जो है वरुण धवन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, इन सब से मिलती जुलती है। अच्छी बात है, ये रही आपकी फीस। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है, काम होने पर दे दीजिएगा। बिना जान पहचान के मुझ पर इतना भरोसा? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता सर। देखिए सर, सर मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। हाँ। लेकिन लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। अगर अच्छा। कोई गलत रिश्ता करवाया तो मैं आपको कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप जाइए, आपके लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। आप जाइए सर, चिंता मत कीजिए। अरे जाइए, भगवान मार डालेगा। कैसा है? अरे कौन है, कौन है, कौन है, कौन? क्या हाल है जिक्कू? और कैसा होऊंगा, तुम्हारे बाप ने भरता बना दिया। मैंने तुझे मना किया था ना। हाँ। लेकिन तू ही बेचैन हो रहा था, पिताजी ने अपने हाथों की खुजली मिटा ली तुझे पीट कर, आग दोनों तरफ लगी थी, अब हिसाब बराबर हो गया। चल जो हुआ, अब ध्यान से मेरी बात सुन, जल्दी से मेरा एक काम कर दे, तेरा मैं एहसान मंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन प्यार करती है। लड़के के पापा से मेरे पापा की मीटिंग फिक्स कर दे बस। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब गई थी आपकी? 2 साल हो गए सर। जॉन बॉस आपको बाहर किया था, कल जाके उसी के कुर्सी पर बैठना। ये ले तेरा ऑफर लेटर। सर ये सपना है कि सच्चाई है? अगर कोई सपना है तो वो भी बता दो, वो भी पूरा कर देंगे। ये घर भाड़े का है, अपना घर हो जाता तो। ये ले तेरे लिए डुप्लेक्स घर, जा और ऐश कर। डुप्लेक्स घर? सर मुझे लगा घर के लिए लोन देंगे, लेकिन आप तो घर ही दे दिए। अच्छा, आप लोग किसी स्कैम में हमको नहीं फंसाएंगे ना? अरे आम खाओ, गुटलियां मत गिनो, वरना आम के साथ साथ पेट भी काट दिया जाएगा, समझे ना? सर बिना जान पहचान के इतना बड़ा एहसान? हमको आपकी बहन से शादी करना है। लगता है भाई की बात सुन के इसे सदमा पहुंच गया है, तभी ऐसा कर रहा है। सर, हमको रिश्ता मंजूर है। लगा नहीं था ये इतना जल्दी मान जाएगा। प्रभु देवा की तरह नाच रहा था ये, लगता है सालों से इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था ये। शादी का मुहूर्त कब निकालें? वो सब हमारी माँ बात करेगी। हाँ। शादी होने तक आपकी बहन हमारी अमानत बनकर आपके पास रहेगी। ठीक है। अंजलि कहाँ है? सहेली के साथ फिल्म देखने गई है, अब आती होगी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। हाँ। हम खुदे उससे मिलके अपने प्यार का इजहार करेंगे। ओ समय का इशारा कर रही थी तू? एक बात का ध्यान रखना, ये बात को अंजलि को मत बताना, नहीं तो तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, समझ गई? मैं कोशिश करूंगा आने। आप आइएगा तब भी हम सगाई करेंगे, समझे? क्या जिद है, पापा को जानती हो ना, अगर मैं सगाई में आ गया ना तो तेरी शादी रुक जाएगी। हम सगाई नहीं करेंगे। hey,
ये क्या पागलपन है? दोबारा ऐसी बकवास मत करना। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस शादी के। जल्दी से आना हाँ। अंजलि को समझा दिए हैं, आ रही है। पंडित जी, जी माँ जी, तैयारी हो गया ना? हाँ माँ जी, सब तैयार है। पापा पापा, बुआ छत से कूदकर भाग रही है। वो भाग रही है, रोको उसे। तुम्हारी सदा ने तो हमको दीवाना बना दिया। इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हमरे बेटे से शादी करने के अलावा कोनो रास्ता नहीं। हेलो। हाँ अशोक। हाँ राजेश, कैसे हो राजेश? अंकल जी ने तुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा है। अर्जेंट बुलाया है? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, उन्होंने बोला कि कुछ अर्जेंट है। अंकल वैसे मेरे बगल में ही है, जरा एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। ए अंकल ने कहा है कि तू पहली फ्लाइट पकड़ के जल्दी आ जा यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है। तू मुझे घर की जगह यहाँ क्यों लेकर आया है? तू आना मेरे साथ। हे, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे बोल ना। पापा, पापा के साथ कुछ हुआ है क्या? पापा, पापा, क्या बात है पापा? माँ कहाँ है पापा? पापा बोलिए ना पापा। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, 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 बताओ ना क्या हुआ है माँ? माँ, 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 बात क्या है? अरे पूजा कहाँ पर है? माँ, माँ, पूजा, पूजा, अरे पूजा, माँ, माँ, क्या हुआ है माँ? अरे मुझे टेंशन हो रही है। अरे कुछ तो बताओ मुझे। राज,
जगाओ ना उठाओ ना उठाना इसे ये सब कैसे हुआ? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता। अशोक, जब तू दुखी होता है हम सब दुखी होते हैं, इसलिए कभी दुखी मत हुआ कर। अशोक, अब क्या हुआ तुझे? एक बात बता यार, अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं तो तू मुझे मना लेगा ना? मतलब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? तेरा दोस्त हूं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे साथ रहकर गुस्सा गायब कर दूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, अंजलि तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। लेकिन उसने कभी एक कॉल भी नहीं किया। वो यहाँ होगी तब ना। आहा, तुम जब दिल्ली गए थे ना तब वो दादी से मिलने के लिए गांव चली गई। उसका कोई फोन नंबर है क्या? कहाँ, उस गांव में। वहाँ से आकर हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन वो गांव डेवलप नहीं किया, रेगिस्तान की तरह है। अरे वहाँ दूर दूर तक कहीं फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आते ही कहिएगा फोन करे। अरे जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, अशोक नहीं आने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अरे भाई ये किस लिए हड़ताल हो रही है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, असल में हम ट्रक वालों की एक महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है, तो आज सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है भाई, इसलिए सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो उस तरफ से जाइए ना भाई। असल में हम ट्रक वालों की एक महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। वो आज पूरी हो गई। राज कैसे मरा था? उसे ट्रक ने कुचल दिया था। पूछा राज कैसे मरा था? ए, बताना। आ, उसे ट्रक बोलो ना, ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है तो ट्रक ने उसे कैसे कुचल दिया? अशोक भैया, राज भैया। छोटू, आंखें खोल। छोटू, अशोक भैया है। आंख तो खोल। अशोक भैया, छोटू, अशोक भैया, उन्होंने राज भैया को मार डाला। पकड़ो उसे। अंजलि, अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि को हमारे हवाले कर दो तो हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे। जाओ निकलो यहाँ से, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। जाओ यहाँ से। अंजलि मैंने कहा जाओ यहाँ से। आना। Ah!
तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ए, गुस्से में कोई फैसला मत लो। अगर अशोक को सच्चाई पता चल गई तो तबाही आ जाएगी। राज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही था। राज की मौत खबर सुनकर अशोक टूट जाएगा। अशोक के जाने के बाद वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा। अशोक उसे जान से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए हमें अशोक से यह खबर छुपा कर रखनी होगी। अगर अशोक को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। और अगर कहीं के और उसके आदमी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा बेटा भी मरे। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, उसे सच्चाई पता मत लगने देना, प्लीज। वो लोग अंजलि को क्यों लेकर गए? हाय, क्यों भाई, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? कहाँ ना, गांव में गई है। के ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? के, ये कौन है? मैंने अंजलि को गांव पहुंचाया है। मैं उसे गांव पहुंचाकर अभी तो यहाँ आया हूँ। जस्ट मुझे सच सच बताइए, के ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? मैं सच कहता हूँ, मैं किसी के को नहीं जानता। भाई का फर्ज तो निभा नहीं पाए, कम से कम पति और पिता का फर्ज अच्छे से निभाना। हाँ, हाथ हटा। मारोगे? मारो ना। छे, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जिस बहन ने तुम पर इतना विश्वास किया, आज तुम उसी को बेच रहे हो। अरे बेरहम, कम से कम ऊपर वाले से तो डर। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मुझे भी किसी कोठे पर बिठा दो, मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगी। उनका ट्रांसफर ही एक सही उपाय रहेगा सर, मेरे हिसाब से। मेरी बात मानिए। कॉफी लीजिए। जब ट्रांसफर मांगा तब तो नहीं किया, अब जाके कर दिया। छी, सरकारी नौकरी में यही प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारे सिवा और कोई है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भेजने में जरूर कोई साजिश है। भला कोई ये क्यों करेगा? ऑफिस में मुझसे जलने वालों की कमी नहीं है। अरे ऐसा है तो रिजाइन कर दो। सोचा तो, पर पूजा की शादी की वजह से बिना किसी बहस के जा रहा हूँ। अम्मा, ट्रेन का टाइम हो गया है। दिखता नहीं मैं चाय पी रहा हूँ? चाय अंदर बैठकर भी पी सकते हैं माँ। सुधा, इससे कह दो शादी के दो दिन पहले आ जाए। ट्रेन चल पड़ी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा। आजा आजा आजा। ध्यान रखना माँ। तू भी रखना। हाँ। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए किसी उत्साह से कम नहीं है। आने वाले चुनाव में हमारे के भाई को भारी मतों से जिताएंगे और हम सभी विरोधियों का जड़ से सफाया कर देंगे। के जीतेगा तो मारेगा और काटेगा, दुखों और बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के बहुत बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है, एक नंबर का शैतान है, ऐसा विरोधी कहते हैं। के गरीबों का मसीहा है, ऐसा सबको लगता है। ऐसा जनता कहती है, आप सभी कहते हैं। कई लोग सोचते कि के आखिर है क्या? गांधी है ये, जिसने लाठी से अंग्रेजों को भगाया था, वो है। इसीलिए मैं कहता हूँ, के भाई को जिताओ, अन्याय और जुर्म को इस धरती से मिटाओ। इसकी गारंटी क्या है? कौन बोला सामने आए। जिसे गारंटी चाहिए वो सामने आए और भाई की टेस्ट कर ले। वो गांधी जी से कम नहीं है। एक गाल पे चाटा मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। हिम्मत है तो सामने आए, भाई हर सवाल का जवाब देंगे। कम ऑन, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप क्यों टेंशन लेते हो भाई, किस में हिम्मत है जो यहाँ आएगा?
क्या हुआ, क्या हुआ? सामने आने की हिम्मत नहीं हुई? मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? लगता है भाई आज सच में पीटेंगे। अरे देखो इन्हें गुस्सा नहीं आया, जोरदार तालियां। अरे बाप रे। क्या केके, दो थप्पड़ भी नहीं सह पाया क्या? समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। अभी तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तूने किया है उसका अंजाम तो भुगतना होगा, बस खुद को उसके लिए तैयार कर लेना, ठीक है? भाई अपना नेता है। और हाँ, आधे घंटे के अंदर अंजलि को लेने आऊंगा, तेरे घर में घुस के उसे लेकर जाऊंगा, तुम्हें तो रोक के दिखा। हमारे नेता के जिंदाबाद, हमारे नेता के गाड़ी भागा। तुम लोग मेरे बारे में जानते हो? अशोक, अशोक रुक जाओ, उसका हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये हमार बहू है, हमरे बेटे की महरारू, जाओ यहाँ से। भूरका रहे हो, मारोगे हमको? हमको मारोगे हा? या फिर हम तुमको मार दे? मारे मेरे अशोक को मारेगी तू? अपनी औकात में रह। अरे चुड़ैल कैसी माँ है तू, खुद को माँ कहती है? तेरी तो मैं अंजलि, चलो यहाँ से। आधा घंटा बोले थे ना तुम, अब पता कैसे लेके जाएगा, दिखा ले जाके। लेके जाओ, ले जाना। अरे भाई, भाई, अंजलि को छोड़ दे नहीं तो तेरे भाई का भेजा उड़ जाएगा। भाई, भाई, भाई। हेलो भाई, अशोक ने तुम्हें चट्टा मारा। गज्जू क्या हुआ? भैया 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 छोड़ दो। भाई भाई मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे कैसे किडनैप किया, मगर मेरी नजर में आपकी इज्जत बढ़ गई है। भाई भाई आपने मेरी खातिर भाभी की कुर्बानी दी है। यस,
क्या समझती हो खुद को? कुर्बानी देकर रिकॉर्ड बनाओगी? तुम मेरे बिना कैसे जी सकती हो? तुम्हें तो तुम्हें पाने के लिए दिल्ली गया था, छोड़ने के लिए नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। भाई, अशोक की फैमिली यहाँ नहीं है, वो शहर छोड़ के चले गए। चले गए? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी ढूंढ के निकालो। हमको उस सबका लाश चाहिए। भाई, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। हेलो। हाँ छोटू, बोलना। गज्जू अपने आदमियों के साथ आया है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है भैया। हे, तू बाहर क्या कर रहा है? तू जल्दी से राजेश के घर के पास आ, जल्दी आ। हेलो हेलो, कौन है फोन पर? दे इधर। बोल जल्दी, अशोक कहाँ है बेटा? बोलना बोलना, ऐसे चुप क्यों बैठा है? बोलना छोटू, अशोक का है, पैसा चाहिए। फिर तुझे बिरयानी मिलेगी। तुझे बाद में फिल्म दिखाऊंगा बेटा, बता देना अशोक का है। चल बेटा, बता दे वो कहाँ है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, समझा ना बेटा, बता। कहाँ छुपा है वो, बोल। जल्दी बोल, बता। बोलता हूँ, मरने भी तो लाए। पता है, अगर वो आ गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, वो मार मार के भरता बना देगा। मेरा गला दबाता है, कायर कहीं का दम है तो भैया से लड़के दिखा। तेरे जैसे 100 आदमी भी आ जाए तो अशोक भैया के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। मेरे अशोक भैया डरते नहीं है तुझसे, वो असली मर्द है, मर्द। ए, गूरता क्या है, आंखें नोच लूंगा। दम है तो मुझसे मुकाबला कर, अशोक भैया तुझे यही बनाकर मारेंगे। भैया, राज भैया का कातिल यही है, उनको इसी ने मारा था भैया, हमारे राज भैया को। इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, मार दो इसे भैया, मार दो, मार दो, मार दो। अशोक,
गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती। उसको उस दिन ही मार देना चाहिए था। राजनीति और लड़की का पीछे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब राजनीति छोड़ो और लड़की को भी छोड़ो, हमको उसका मौत चाहिए। मौत चाहिए उसका, जिंदा मत छोड़ना। जान ले लेना उसका के हमको अशोक का कटा हुआ सर चाहिए, कटा हुआ सर चाहिए, समझे? हैदराबाद से सत्या का फोन आया था, उसका परिवार वहीं पर है। भाई भाई, आपकी जानकारी एकदम सही है, उसके घर का पता चल गया है। कल उसकी बहन की शादी है, वो वहाँ जरूर आएंगे। अमू बाप बेटा का ड्रामा खत्म। दिल्ली से वापस आ रहा है। हम कहे थे ना अशोक दिल्ली से वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, अच्छा नहीं किया। और तुमको कला का तुम ट्रांसफर करा के हमारी नजर से बच जाओगे। क्या किया उसने? उसने वो हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, खो गया सब कुछ। हम उसको जिंदा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। कब का है? 12 बजे का। 12 बजे का। अब तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारे बेटे अशोक की अर्थी उठेगी। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, बेटा को हमारे पास ले जाओ। चल मेरी बेटी को छोड़। साला पानी सर से ऊपर चला गया। याद रहे, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी हमसे होगी, बल्कि निकल जाएंगे। तू अपनी माँ अपनी बहन सबको मार डालेगा, तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मर गया तू मेरे लिए। तू हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया। बात है, आखिर तुम मरे खातिर आई है गया? तुम्हारा बापू नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। ए, बहुत अच्छा काम किया, जैसा कहे थे वैसा नहीं किया। तुमसे हम बहुत खुश है। बहुत अच्छा।
बिटिया के लिए बिटवा का कुर्बानी, इतिहास याद रखेगा। बचुआ छोड़ दे उका। ए, छोड़ दे रे उसको। ए, मत छोड़ मेरी बेटी को, मत छोड़। अपनी बेटी को जन्म देने से पहले मैंने शेर को जन्म दिया है। शेर है मेरा बेटा, ये अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छे से। ये अपनी बहन को कैसे ले जाना है? अगर तुझमें दम है तो उसे रोक के दिखा। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी रास्ते में आए उसे काट देना बेटा। ए, 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 नीचे नीचे। तू क्या समझता है कि मैं कायर हूँ? कायर तो तू है जो मुझे डराने आया था, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज तक तुझे नहीं समझ पाया। तेरे लड़ाई झगड़े को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन आज मैं उसकी वजह को समझ पाया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई है। जब इस दरिंदे ने तेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ तो दिल में आया कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। आज मुझे समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरी होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा, जब इसने राज को मारा तो मुझे तुझे सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं माँ की तरह तुझे नहीं खोना चाहता था। पर अब समझ आ गया कि तू गलत नहीं था बेटा, नहीं था गलत। पापा, नहीं नहीं, मुहूर्त में अभी आधा घंटा बाकी है। अपनी बहन को साथ लेकर आना, और जो बीच में है उसे शमशान पहुंचा देना, जो भी बीच में है उसके टुकड़े कर देना। ए, चिल्ला मत। आज तुम मेरे बेटे का तांडव देखोगे, ये घर शमशान बन जाएगा। भाग सकते हो तो बच जाओगे, बहन के साथ जल्दी आना। तुम्हारी बहन को हाथ का लगाया? तुम्हारा बाप तुमको खुद यहाँ लेके आ गया। तुम्हारे बाप का ही हरकत से हम बहुत खुश हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। ये बहुत अच्छा है कि उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को सब छुएंगे, कैसे बचाओगे? ए, शुरू हो जाओ बे। ए, एक मिनट रुक जा। बचपन से आज तक जब भी मैंने लड़ाई की, मेरे पापा ने मुझे रोका। उनके मना करने पर भी मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया, पर अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी है। पापा की कसम, सबको जहन्नुम पहुंचाऊंगा। बहन को जरा हाथ तो लगा।
ये तो बहुत बड़ा है। रघु भाई का घर? रविचंद्रन, उसका नाम है रविचंद्रन, अय्याशी के रघु भाई, हिल टॉप रघु भाई, कर्नाटक में 5-स्टार होटल खोल चुका है। नया प्रोजेक्ट कारवार में है, समुंदर के किनारे 10 एकड़ में उसका फार्म हाउस है। बेसिकली आया मैंने आर्किटेक्चर, बट आर्किटेक्चर इज माय पैशन। ऊफर की बेटी अनामिका मेरी फेसबुक फ्रेंड है, उसी के जरिए मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर चुका हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हमें मिल जाए तो परिवार बच जाएगा बेटा। ये लो। अभी तुम ड्राइविंग करो, मैं ज़रा आराम करूँगा, ठीक है ना? अच्छा जॉन, अनामिका, यू नो दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग। हाय। वैसे हम फेसबुक पे काफी बार मिल चुके हैं, पर सामने पहली बार मिल रहे हैं। प्लीज कम। हेलो पापा। जॉन। हेलो। इसकी तो रनिंग केमिस्ट्री अभी तक रुकी ही नहीं। जॉन कारवार में आ चुका है तो मतलब मंगलापुरम में आ चुका है, लेकिन ये तो सरप्राइज हो गया। आप जॉन हो, बताया ही नहीं। आज इसका बर्थडे है। ओह रियली? मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। एनीवे नो मोर डिस्कशन, जस्ट गो एंड सेलिब्रेट। ओके, मीट माय फ्रेंड आनंद रामन, मेरे एसोसिएट। हाय, ग्लैड टू मीट यू। लेट देम गेट फ्रेश नाउ। बेटी इसे अपना घर दिखाओ। ओके लेट्स गो। प्लीज। रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, गले में एक मार्क है, शायद वो सीट बेल्ट का है, और उनके ब्लड में अल्कोहल पाया गया है।
सर, मरने से आधे घंटे पहले अपने बैंक में रखे हुए सारे पैसे, मतलब 32 करोड़ नाइजीरियन के एक अकाउंट में मैडम ने खुद ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। सर, यही है वो नंबर। मनी ट्रांसफर के सिलसिले में एसपी ऑफिस में एक इंक्वायरी आई थी। ये तो छोटा सा यूजुअल ट्रांसफर है, इसलिए मैंने संभाल लिया, वरना। हेलो रघु भाई, मैं खुराना। खुराना, तुम किधर हो? मैं अभी यहाँ कोचीन में हूँ। मैंने तुम्हें 2-3 दफा तुम्हारे पुराने नंबर पे कॉल किया था। कौन है? खुराना, इस वक्त तुम कहाँ हो? तुमसे तो बात किए हुए लगभग 6 महीने हो गए। चलो अब जाके तुम्हें मेरी याद आई। रीना है क्या बाजू में? रीना को फोन दो जरा। हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड? रेनू मर गई। व्हाट? दुर्घटना हुई है करके पुलिस बोलते, लेकिन मरने से सिर्फ आधा घंटा पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहां पे। हेलो, थोड़ा होल्ड करना। क्या कर रहे हो? मुझे पहचान गए हो ना? अब मुझे क्या करना है? जो चाहिए ले लो, हम लोगों को मत मारो, हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। Do you have a gun? Do you have a gun? Yes, yes, yes. We have. Leo. Oh.
करो प्लीज। तुम तीनों के अकाउंट में जितना भी पैसा है मैं जो अकाउंट नंबर दे रहा हूँ उसमें ट्रांसफर करो। सिर्फ आधा घंटा पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। डू इट पापा, डू इट। लो चलो लिखो। लिखो मैं जो कह रहा हूं। पैसों की कमी के कारण मैं मजबूर हो गया आत्महत्या करने के लिए। पैसों से भी कीमती है जिंदगी, है ना रघु भाई? हेलो, बैग लेकर जल्दी से ऊपर आओ। क्या बात है? हेलो, क्या हुआ?
सो जॉन, हाउ इज माई होम? इट्स ब्यूटिफुल. जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी खूबसूरत तुम्हारी सोच है. थैंक यू. इस घर को देखते हुए लगता है इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा. मैंने बोला था ना जॉन के बारे में, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया है. यू वॉन्ट टू टॉक टू हिम? Hey, no, 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 okay. No. Okay, then. Bye. हस्बैंड कहाँ है? सिंगापुर में है, अगले हफ्ते आ जाएंगे. उसके बाद 2-3 महीने US में रहेंगे. Oh my God. क्या हुआ? मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत बेबी होने के बाद इंसान दूर कैसे रह पाता है. Oh God, it's 3 o'clock. John, oh John, चलो लंच करते हैं. हम ग्राउंड प्लाजा जाएंगे क्या? किस लिए? If you don't mind. अगर मैं आपके लिए खाना बनाऊं तो? Really? बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए बना सकता हूं. As could I see you? चलिए. कहाँ खो गए? I'm sorry. It's 6 o'clock. जाना है ना हमें? हाँ, ठीक है. 7 बजे मीटिंग है, बोला था ना? मैंने वो कैंसिल कर दिया. Why? Because of you. No. क्यों? Hey, come on. No, please. सुनो, फोन उठाओ ना. पासवर्ड. मैथ्यू. मैथ्यू 1 2 3. पैसा और जिंदगी, इनमें से जरूरी क्या है, क्या बताएंगे? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे. टेल मी, समय बर्बाद मत करो, मेरे सवालों का जवाब दो.
मुझे जवाब दो। जा रहे हैं। कम ऑन, हमें ड्राइव पे जाना है। इतना पसीना क्यों छूट रहा है? तुम्हें डर लग रहा है? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सुनो, एक कॉफी। तुम एक क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे इस चक्कर में क्यों फंसा दिया? कारवार में मैं लेकर नहीं आया, नहीं आया मैं। भगवान ने तुम्हें, भगवान ने लाया है यहाँ। पूछो उसे क्यों लाया।
एक मिनट ना, हेलो, तुम किधर हो? कितने दिन हो गए, फोन तक नहीं किया तुमने। तुमने जो नंबर लिख के दिया था वो भी कहीं खो गया मुझसे। किधर हो, कैसे हो? मैं बेचैन हो रही हूँ। कुछ मत कहो, जल्दी आ जाओ। अपने पूरी जायदाद बेचकर सारे कर्जे चुका देंगे। तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तो उनके जगह पर हम लोग हैं ना। तुम्हें कुछ तकलीफ हुई थी तो पहले हमें बताना चाहिए था ना। वो बैच वाले का नाम क्या बोला था बेटी? हाँ, साइमन। मैं उसे इधर ही बुला लेता हूँ। हमने उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। अब अगर अपनी जबान से पलट जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। कारवार में मैं लेकर नहीं आया, कारवार नहीं आया, लेकर नहीं आया, नहीं आया। भगवान ने तुम्हें, भगवान ने लाया है यहाँ। पूछो उसे, भगवान ने लाया, क्यों लाया? पूछो उसे, क्यों लाया? पूछो उसे, क्यों लाया? इसे कहीं पर भी बेचकर पैसे ले आओ। टाइम खत्म होने वाला है सुभाष, रख लो। सर, मैंने ही फोन किया था। सुभाष, आइए सर, बैठिए। किसी का कुछ संबंध नहीं है, लगता है आत्महत्या है। अच्छे से देखने से पता चलता है, देखने में तो सब कुछ ठीक है, लगता है इनका ही काम है। आराम से बैठ कर देखिए। Thank you.
मैंने कहा था ना जॉन, जॉन जॉन हम लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, किया है। मीट माय फ्रेंड आनंद रामन, मेरे एसोसिएट। चैनल चल रहा है, वो आपका है, नंबर पता करो, किसी भी समय मुझे फोन करो, अर्जेंट। सुबह ही जाकर के मिल के आया था, उसे तो न्यूज एडिटर की जरूरत है। कुछ भी होने दे, कहीं ना कहीं तो काम करना ही है ना। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम खुराना, त्रिवेंद्रम में ठहरा हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए। जरा गर्म पानी मिलेगा? चाय ले आऊं? कल पूरी रात फुल नाइट ट्रैवल कर रहा था। मैं काम की बात करता हूं। ये मेरी वाइफ है। कार के अंदर एसी में दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। कारोबार में हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी था, हिलटॉप रघु भैया। रघु भैया और उनके परिवार खुदकुशी कर लिया 13 दिन पहले। रघु भैया ने मरने से पहले वहां पर एक पार्टी हुई, उस वीडियो में आपको देखा, जॉन भी वहां था। उसके साथ आप वहां क्यों गए थे, आपका क्या संबंध है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसका अगला शिकार मैं हूं। चाय। मुझे मरने से डर नहीं लगता,
आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। जॉन अभी कहाँ है? उसका कोई फोन नंबर? मेरी आंखों के सामने तीनों की जान। लेकिन ये मुझे मत नहीं है, पर पुलिस के तहकीकात में उन्होंने कुछ मेल चेक किए और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि एक आत्महत्या है और केस क्लोज कर दिया। अगर मुझे नहीं लगता ये सच है। इन सब बातों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला और सोचते सोचते एक साल निकल गया। जनाब कोई तकलीफ? वालेकुम सलाम, आई एम स्लीपिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी। ठीक है। यूएई हाईवे डेवलपमेंट के क्वार्टर्स में रहने वाले जॉर्ज जोसेफ इंडिया के हैं। खुद की गाड़ी में दम घुटने की वजह से मारे गए। जोसेफ खुद की गाड़ी में ही मरे पड़े हैं। जोसेफ की बीवी मारिया जॉर्ज और उनकी बेटी हन्ना भी साथ में थी। उनकी बेटी हन्ना के 6 महीने के 4 बच्चे गाड़ी के अंदर मरे पड़े थे। देखा जाए तो एयरपोर्ट जाने की जल्दी में सारे लोग अंदर फंस गए। ये कार के लॉक सिस्टम की वजह से सारे लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस का यही कहना है, जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार ने आत्महत्या की है। ये एक दुर्घटना है, पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है। ये प्रवासी चैनल इस मौत की हर छोटी से छोटी बात को जनता के सामने रखता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की आत्महत्या का पूरा सच आपके सामने आएगा। प्रवासी चैनल इस मौत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। ये एक एक्सीडेंट है या कोई साजिश? गाड़ी के लॉक सिस्टम की वजह से मौत हुई, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट किया है। फिर भी यहाँ के ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट वालों का और सिटी के लोगों का कहना है कि लॉक खोला जा सकता था और खुद को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। इसके बावजूद यह घटना कैसे घटी, इस विषय पर अभी भी संदेह है। मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई राज जरूर होगा। प्रवासी न्यूज चैनल ने 3 दिन के अंदर ही इस मौत की जानकारी जनता के सामने रखी थी, मगर अगले ही दिन ये मौत नहीं आत्महत्या है ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया। बिजनेस में भारी लॉस होने की वजह से जोसेफ जॉर्ज ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, ऐसा उसके जान पहचान वालों का कहना है। यही इशारा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का भी है। प्रशासन की वजह से जोसेफ जॉर्ज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो मजबूर था इस तरह का कदम उठाने के लिए। सिंगापुर में एक कंपनी के साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील का सिलसिला चल रहा था और शायद यही वजह है उसकी आत्महत्या का, ऐसा लोगों का मानना है। मरने से 1 घंटे पहले उसने अपने अकाउंट के सारे पैसे सिंगापुर की 2 कंपनियों में ट्रांसफर किया है। सूत्रों से पता चला है कि वो आजकल काफी दबाव में थे और शायद इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और तब मुझे इस खबर से छुपे हुए सच को ढूंढने का एक नया रास्ता मिल गया। चैनल तो बंद करके 5-6 महीने हो गए। आनंद कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं, पर उसके साथ काम करने वाला एक शख्स जो शारजा में है, अगर उससे पूछे तो कुछ पता चल सकता है। उसके बाद आनंद गांव चला गया, तब से अब तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसका एड्रेस और फोन नंबर तक बदल गया है। जब जोसेफ जॉर्ज की मौत की खबरें आ रही थी तब जोई ने मुझे एक बार में बुलाया था जब चैनल में प्रॉब्लम चल रही थी, पर उस दरमियान हमारी किसी ने मदद नहीं की। पर अचानक कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। क्या डिमांड थी उनकी? मुझे पता नहीं, आनंद रमन के साथ डायरेक्ट डील थी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट चला रही थी रेनू खुराना, वो मेरी दोस्त थी। रिसेप्शन के वक्त उसे एक आइडिया आया
जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की, जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की मौत के वक्त गांव से रेनू ने मुझे फोन किया। जॉय भाई मेरी बात सुनो, वो आनंद रामन है ना, उससे आप एक डील करो, पैसा जितना भी चाहिए मैं वहां भेजती हूँ। उसके बाद उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने आनंद रमन को दे दिए। पहले मैं उसे मिला नहीं, पर चैनल में हो रहे प्रॉब्लम की वजह से उसने खुद मुझे फोन किया और यहाँ आया और अपनी दी हुई रिपोर्ट से मुखर गया। रेनू खुराना अभी कहाँ मिलेगी? कोचीन में। तुम यहाँ क्यों हो? इसका जवाब मिल गया ना तुम्हें? वो मुझे चार बच्चे, बीवी और उसकी माँ बाप, ये मेरे लिए एक परिवार नहीं था बल्कि मेरे लिए एक दुनिया थी। मेरी वो दुनिया खत्म हो चुकी है, मुझे हर सच सुनना है, वो भी तुम्हारे मुंह से। दुख तकलीफ से परेशान इज्जत गंवाने के बाद सुसाइड करने जैसा हर वक्त मेरे पर गुजर रहा था। ये क्या शाहजी इस टाइम पे फोन कर रहा है? सिर्फ साजी ही नहीं, पैसे मांगने वाले सारे लोगों ने फोन किया। लेकिन किसके लिए? अरुणव का उधार मैंने जाकर चुकाया, उन्हें पता चल गया होगा। उसी टाइम पे रघु भाई ने मुझे बताया कि वो जोसेफ सर से मिलकर कुछ बातें करेंगे। डूबने वाले जहाज को एक रास्ता मिल गया, ये सुनकर थोड़ी राहत मिल गई। जोसेफ सर बोले जैसे रघु भाई उनके घर की यात्रा में हम सबको साथ लेकर गए। वो अच्छे इंसान, हमको सारी सुविधाएं दी और इंडिया आने के लिए टिकट भी, और साथ ही साथ रहने के लिए घर भी दिया। तुमने हमारे वीआईपी को देखा क्या? नहीं। आ जाओ दिखाता हूँ, चलो। ओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। आ जाइए आ जाइए। ओ मेरा बेटा। उस दिन शाम को सारा सामान पैक करके हम सब जोसेफ सर के घर पे चले आए। प्लीज कम। प्लीज। थैंक यू। ये है अंकल का रूम। पचपन डिग्री में जलते हुए आग से जोसेफ सर के ठंडे बंगले में घूमते वक्त हमारा खोया हुआ घर हमें याद आ गया। हम यहीं रहने लगे। तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में? मरने के लिए उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं।
इंडिया जाकर कैसे जिएंगे? पैसे देने वाले रात दिन फोन कर रहे हैं, सबके पैसे देने हैं। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? फिर मैं उन लोगों के साथ किसी भी तरह इंडिया जाने की सोच रहे थे, टिकट हाथ में आने तक। अभी सोच के दिमाग खराब हो रहा है। 2-3 प्रॉपर्टी खरीद रखा था, वो भी बेच दिए। महल जैसा एक घर है, वो भी अपनी बहन के नाम लिखकर रखा है। अभी जाकर उस छत के नीचे सोना पड़ेगा। मैं उधर नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? चुपचाप खड़ी रहो यहीं पे। पांच पीढ़ियों तक खाने की जायदाद जोसेफ सर के पास है। हमारी खोई हुई जिंदगी वापस पाने के लिए ये हमारे हाथ में आ जाए तो क्या तकलीफ है? चोरी करोगे? जंगल की कसम, भूख लगने पर शिकार करके खाने में कोई बुराई नहीं है। इस हालत में इधर भी और गांव भी जाकर हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जिंदा रहने के लिए दोनों में से एक फैसला होना चाहिए। की गर्दन पर रखा चाकू थोड़ा दबाया तो बस मर जाएगा। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तुम लोगों को क्या चाहिए? पैसा, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का बैंक अकाउंट में रखा हुआ फुल अमाउंट। मैं जिस अकाउंट में बोलूंगा उस अकाउंट पे ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं। 1 मिनट भी लेट हुआ तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। बजे की फ्लाइट है, 3:30 से निकलना है। इधर जो भी चल रहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बच्चे हमारे साथ ही होंगे। ओ मेरा राजा बेटा, चुप हो जाओ, मत रो। मम्मी गाड़ी में दूध का बोतल रखा कि नहीं? हाँ, लाकर सब रख दिया है। रुको, चलते हैं बेटा, चलते हैं। बच्चे को दे दो। ठीक है, टिकट वगैरह लिया ना?
ओके बाय बाय। सचते वक्त अब दर्द होता है, पर उस वक्त कुछ गलत नहीं लगा। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस एक मिनट में बर्बाद हो गया। कुछ गलत नहीं किया उन सात लोगों का। जीवन हमने लिया, पर उससे पहले एक चिड़िया तक नहीं मारी। उन बच्चों का चेहरा मेरे सामने आता है, तब मैं सीना ठोक के यही कहता हूं कि जंगल की कसम, भूख लगने पर शिकार करके खाना कोई गलत काम नहीं। ये सब जो भी किया वो अपने आप को बचाने के लिए किया। अगर नहीं करता तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देते। इसलिए बचने के लिए कोई पाप नहीं किया। कुछ नहीं है,
बस ये कार और घर है जिसे सुभाष के नाम कर दिया है। ओके, मैं रेडी। कैसे होगी मेरी मौत? मैंने तुमको देख के पहचान लिया था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कोई राज है तुम्हारे दिल में। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने उस न्यूज़ को क्लोज कर दिया, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। गलती हो गई, उस दिन मेरी हालत की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। 7 बेगुनाह लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, है ना? तुम लोगों ने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच बोल रहा हूँ? जॉन, भगवान के लिए इसको मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। पेड न्यूज, इट्स पेड मर्डर। मर्डर से भी बड़ा पाप तूने किया है, तेरे आंखों के सामने। तू इसे मरता हुआ देखेगा, तड़पेगा, यही तुम्हारी सजा है और तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।
यू आर फिनिश्ड मिस्टर जॉन डेविड, यू आर फिनिश्ड। लाइव कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए मारे गए। सारे लोग फेसबुक के जरिए इस वीडियो को देखकर घबरा गए। डेविड और आनंद रमन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक साल के मुकदमे के बाद जॉन डेविड को 5 साल की सजा सुनाई गई। आनंद रमन को मीडिया के विचारों का सामना करना पड़ा। किताब लिखकर पहले मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सुनाया, और लास्ट पे सुनाने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि इस कहानी का विलेन कौन है। उन लोगों ने कहा पता नहीं, पर मुझे पता है इस कहानी का विलेन आनंद है। मुझे पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया। आनंद रामन, पत्रिका प्रवर्तक। इफ यू मिस ट्रबल एट जी, आई एम टायर्ड, यू आर इन द परफेक्ट मूड फॉर द जर्नलिस्ट। पहले कहीं भी एक जर्नलिस्ट क्लास में पढ़ते वक्त अपने टीचर्स की बातें मुझे याद है। सच्चाई के लिए लड़ो।